हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। फेस्टिवल सीजन आ गया है, राखी सीजन आ गई है, तो क्यों ना हम लोग फेस पैक बना के घर पे लगाएं। इस लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो मैं मार्केट जाने के तो मिल नहीं रहा, ना पार्लर जाने के मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपने घर पे ही सारी चीज़ जो घर पे अवेलेबल होती है इस चीज़ से ग्लोइंग और ब्राइटनेस फेस पैक बनाए। और ये फेस पैक सिर्फ आप 10 मिनट में लगा के यूज कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट मुझे जरूर शेयर करिएगा। और ये फेस पैक सारी उम्र के लोग लगा सकते हैं, तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई वैसी चीज़ नहीं है, तो ये सूट करती है। हफ्ते में आप 2 से 3 बार इसको लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। आपकी शेड में देखेंगे, स्किन के शेड में 1-2 शेड इम्प्रूव हो जाता है, और स्किन जो पहले से डल हो ही रहती है तो उसमें थोड़ी सी जान आ जाती है, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ जाती है स्किन की, थोड़ा ग्लो आ जाता है, थोड़ी स्किन में निखार आ जाती है। तो सिर्फ 10 मिनट के फेशियल पैक में आप, वो भी कॉफ़ी फेशियल पैक, वो भी सिर्फ 2 रुपये में आप पार्लर जैसा निखार पा सकते हैं। तो इसका रिजल्ट मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, आपको जरूर आप यूज करिएगा, फिर बताइएगा कितना मतलब ये कितना इफेक्टिव है। तो जल्दी से चलिए देख लेते हैं। चम्मच के करीब कॉफ़ी ली है, आप पूरा पैकेट ले सकते हैं, आप उसमें पूरा डाल दीजिएगा, 1 चम्मच के करीब ही रहता है उसमें। और मैंने 1 चम्मच चावल लिया, चावल को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए और मिक्सर ग्राइंडर में इसको अच्छे से पीस लीजिए। फिर मैंने इसमें 1/2 चम्मच के करीब हनी लिया है, फिर मैंने इसमें आधा पूरा नींबू डाल दिया है, और 1 विटामिन E की कैप्सूल ले ली है, और अब मैंने इसमें रॉ मिल्क डाला। आपके पास रॉ मिल्क में कच्चा दूध, अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर या गुलाब जल डाल करके अच्छे से मिक्स। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब एलोवेरा लिया। ये देखिए, ये पैक कुछ ऐसा दिखता है, इसके कलर पे मत जाइएगा, ये बहुत ही इफेक्टिव है। और मैंने अपने चेहरे को अच्छे से फेस वॉश से अच्छे से साफ कर लिया है, मेरा चेहरा अभी अच्छे से क्लीन हो चुका है, और मैं इसको चलो अच्छे से अभी इसको अच्छे से लगा लेते हैं। मेरे चेहरे के रंगत को निखरता, इसमें इसका ग्लो लेके आते, इसमें लाइटनिंग ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, और ये हमारे दाग धब्बों को दूर भी करता है, टैन को दूर करता है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होता है, और झुर्रियों को भी निकालता है। चावल हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। आपने देखा होगा जापनी या कोरियन गर्ल्स की, जो गर्ल्स होती है उनकी स्किन कितनी बेबी स्किन होती है, वो अपनी डेली रूटीन में चावल का ज़्यादा प्रयोग करती है, इसलिए उनकी स्किन ऐसी होती है। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच जो हनी मिला है, हनी स्किन की लाइटनिंग को बढ़ाता है, नींबू स्किन के ब्राइटनिंग को बढ़ाता है, स्किन के टोन को निखारता है, स्किन की में दर्द स्किन को निकालता है, पिम्पल्स वगैरह रिमूव करता है। तो ये सारा चीज़ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी, लगाने के 2-3 मिनट तक मैं इसमें मसाज करूंगी, अच्छे से मसाज करूँ, नोज एरिया, चिन एरिया सारे मसाज करके, जो मसाज करने से स्किन की डेस्क की निकल जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट निकल जाते हैं, तो मैं इसको अच्छे से मसाज करूंगी, जैसा मैं कर रही हूँ आप वैसा भी कर सकते हैं। 2-3 मिनट तक मसाज करिएगा, जिससे हमारी डेड स्किन निकल जाती है, और हमारे जो भी ब्लैक एंड व्हाइट नोज पे हुए रहते हैं वो सारे निकल जाते हैं। मसाज अच्छा से कर लेना चाहिए, अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसकी 1 थिक लेयर लगा लीजिए, अच्छे से थिक लेयर लगा लीजिए। उसके बाद इसको सूखने दीजिए, सेमी ड्राई करिएगा, ज़्यादा ड्राई मत करिएगा, इसको 10 से 15 मिनट तक रखिए, और फिर देखिए ये सेमी ड्राई हो चुका है। तो मैं इसको ऐसे मसाज करके सर्कुलर मोशन में मसाज करूँगी और मसाज करके निकाल दूँगी, जिससे डेड स्किन जो होती है वो सारी मसाज करके निकल जाती। मैंने अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से अभी धो लिया है, और मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट लग रही है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मेरी स्किन में एक जान आ चुकी है। तो आप लगाएंगे इसका फ़र्क आप खुद ही समझ सकेंगे अच्छे से। फिर मैंने इसमें 1 रोज़ वाटर स्प्रे कर लिया, अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर लिए, और ऐसे डैब डैब करके इसको मैं अच्छे से सुखा लूँगी। फिर मैं इसमें अपना फेवरेट गुड वाइब्स का रोज ही ग्लो सीरम लगाऊंगी, ये आप स्किन को बहुत ही ब्राइट बनाता है, ये तो मेरा फेवरेट है, आप मत पूछिए कितना फेवरेट है ये। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, कोई सा भी स्वीट ऑयल लगाइएगा। तो ये सिर्फ 10 मिनट में निकाल में पा सकते हैं, जैसा जैसा मैंने बताया आपको वैसे वैसे करना पड़ेगा, वैसे वैसे करिए, और रिजल्ट जरूर शेयर करिए। हर एज के लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई केमिकल हार्मफुल केमिकल नहीं होती है, तो सारे लोग लगा सकते हैं। कोई अगर आपको ऐसा लगता है तो आप टेस्ट जरूर कर ले थोड़ा, तो अच्छा रहता है स्किन के लिए। तो ऐसे ही कुछ ऐसे होममेड रेमेडी के लेवल वीडियो के साथ, DIY के साथ, होममेड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, और प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंडों में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।
देखते रहिए मेरे।